हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल निधि अभी में आप सभी का स्वागत है और आज हम आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं आलू और सूजी की एक आसान सी रेसिपी, जिसको हम शाम के नाश्ते में बना सकते हैं और हम सभी बहुत पसंद करेंगे इसको। तो आइए शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि हमें इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो हमें चाहिए है एक कटोरी सूजी, अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, पिसा हुआ मिर्चा और ये हरी मिर्च के टुकड़े और हरी धनिया, और हमें ये उबले हुए आलू चाहिए है। और बनाने के लिए हम सबसे पहले गैस को जला लेंगे कढ़ाई चढ़ा करके। और अब हमें बहुत थोड़ा सा इसमें हाफ टेबल स्पून तक हमें इसमें डालना है रिफाइंड ऑयल, या कोई सा भी ऑयल जो आप अपने खाने में इस्तेमाल करते हो आप डाल सकते हैं। हमने इसमें रिफाइंड डाला है और अब हम ये अपनी सूजी इसमें डाल देंगे, डाल करके इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। और अब इसको हल्का सा ब्राउन होने तक हमें इसे भूनना है सूजी को। सूजी हमारी ब्राउन हो चुकी है, हम इसमें डालेंगे करीब एक कटोरी तक पानी डाल करके हमें रुकना है। अब हम एक कटोरी पानी डाल करके हमने देख लिया है कि हमारा ये सूजी एकदम से गाढ़ा हो चुका है और अब हम इसमें पानी डालना रोक दिया। अब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे एकदम से गाढ़ा होने तक के लिए। हम इसको गैस बंद करके अब छोड़ देंगे तो करीब 5 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे तो सूजी थोड़ी फूल जाएगी। तब तक हम आलू बनाते हैं। और अब हम सबसे पहले अपने आलू को मैश कर लेंगे। ऐड करेंगे अपनी सूजी जो हमने बना के रखा है। करके हमने सूजी और आलू को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें मिक्स करेंगे जो हमने मसाले बना करके रखे हैं, जैसे धनिया मिर्चा। तो हम सबसे पहले इसमें डाल देंगे खड़ी धनिया जो मैंने हरी काट करके रखी है, मिर्चा, रेड चिली पाउडर, अब हमने सारी चीज़ों को इसमें मिक्स कर लिया है और हम इसको अच्छे से अब फिर से मिलाएंगे। जिस तरीके से हम आटे को मैश करते हैं उसी तरीके से हमें इसके भी मिक्सर को बहुत ही अच्छे तरीके से मैश कर लेना है ताकि ये एकदम सॉफ्ट हो जाए। और अब हम बनाएंगे इसकी गोलियाँ, गोलियाँ जैसे हम टिकिया बनाते हैं उस तरीके की हम इसको शेप देंगे। हमने ये सारे सूजी और आलू के जो टिकिया जैसे मैंने बना करके इसको शेप दे लिया है। अब हम इसको करेंगे शैलो फ्राई। ये तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें अपनी एक एक करके एक बार में पहले दो तीन जितनी हमारे कढ़ाई में आए हम डाल देंगे एक बार में। और अब ये एक साइड अच्छे से पक रही है, हम इसको अपने मीडियम आंच पर ही पकने देंगे। गोल इसको एक बार पलट देंगे ताकि ये दोनों साइड से पक जाए अच्छे तरीके से। ये देखिए ये ब्राउन हो चुका है और अब हम इसको निकाल लेंगे। हमने इसको निकाल लिया, टिश्यू पेपर पर और डालेंगे। इनको भी हम सेम उसी तरीके से फ्राई करेंगे। और अभी हमारी रेसिपी बनकर के तैयार है। हम इसको सॉस के साथ सर्व किया, आप चाहे तो इसको टमाटर की हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं चाय के साथ। ये शाम के नाश्ते के लिए बहुत ही अच्छी डिश है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।